इस क्वेश्चन बोला है कि इसमें से कौन सा पारामेटिक होगा तो ध्यान ना जब भी बात करते हैं पारामेटिक का है तो सिंपली क्या करना है आपको आपको पता करना है टोटल ट्रॉन अगर ये ऑड आएगा तो सिस्टम क्या होगा पारा हो जाएगा और अगर आपका इवन आता है तो सिस्टम क्या होगा डायमेटिक होगा इवन नंबर में ध्यान देना दस और सोलर एक्सेप्शन होता है दस एंड सोलर एक्सेप्शन है इसमें क्या होगा सिस्टम क्या होता है पारामेटिक तो सिंपली उसको अप्लाई करते हैं सी में क्या होता है फोर्टीन फोर्टीन क्या है इवन मतलब क्या होगा ये होगा डायमेटिक सी माइनस फोर्टीन ये भी क्या होगा डायमेटिक वो टू माइनस टू एटीन यी इवन नंबर है और दस और सोलह से बिलोंग नहीं करता तो क्या होगा ये डायमेटिक एनो में क्या है पंद्रह चूँकि ऑड है तो ऑड है तो क्या होगा ये पैरामेटिक होगा यानी इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ठीक तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अब ध्यान देंगे अगर आपको शॉर्टकट मैथड नहीं पता तो सिंपली क्या करोगे आपको फिलअप करना है इनका मोलिकुलर एनर्जी डायराम को तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनओ के लिए फिलअप करना चाहते हैं तो एनओ में जेड एवरेज निकालो तो जेड एवरेज कैसे पता करेंगे इसका हम तो एन का होता है सात एटोमी नंबर ओ का होता है आठ बाई टू कर लो तो ये होगा गया जेड एवरेज इनका ये हो गया सेवन पॉइंट फाइव चूँकि जेड का वैल्यू आठ से छोटा है मतलब हम इस मॉल्क एनर्जी को फॉलो करने वाले हैं तो यहाँ पे आप पंद्रह इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो क्योंकि एनओ में इलेक्ट्रॉन कितना होता है टोटल पंद्रह होता है तो जब फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन तो अल्टीमेटली आपका फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन इससे फिलअप हो चुका है तो आपको दिखेगा यहाँ पर आपको अनपेल ट्रोन दिखेगा यानी सिस्टम क्या होगा ड्यू टू परिजेंस ऑफ अनपेल्ट ड्रोन इन पाई स्टार ऑर्बिटल ये क्या होगा ये हो जाएगा ठीक है तो ये था आपका नॉर्मल अप्रोच शॉर्टकट बाद आपको दिख जाएगा तो ये था इस क्वेश्चन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्यूल आपका पारामैटिक है कि डायमेटिक है तो इसके लिए आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल के टोटल ट्रोन का नंबर अगर ऑड आएगा तो सिस्टम क्या होगा पारामेटिक होगा और जब भी आपके मॉलिक्यूल का टोटल ट्रोन का नंबर इवन आएगा तो उसके से मॉलिक्यूल क्या होता है डाया होता है इसमें दो एक्सेप्शन हैं कि जब भी आपका मॉलिक्यूल का टोटल ट्रोन टेन एंड सिक्सटीन इवन नंबर पर दो एक्सेप्शन क्या आपके पास है टोटल ट्रा नंबर टेन या फिर सिक्सटीन हो यानी दस और सोलह हो उस केस में आपको मॉलिक्यूल होता है मैग्नेटिक। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंपली आपको क्या करना है आपको टोटल रन काउंट कर लो अगर टोटल ट्रोन का नंबर अगर ऑड नंबर आता है तो उसमें सिंपली आप बोल देना कि मॉलिक्यूल में अनपेल्टों का नंबर वन होगा ठीक है और अगर आपका टोटल ट्रोन का नंबर अगर इवेन आता है तो उसके इसमें सिंपली बोल देना है कि इसमें अनपेल्टरों का नंबर क्या होगा जीरो होगा ठीक है इवेन नंबर में दो एक्सेप्शन आएगा आपके पास क्या आएगा कि जब भी टोटल ट्रोन का नंबर आपके पास टेन या फिर सिक्सटीन आए ठीक है दस या फिर सोलह है तो उसमें क्या करना है आपको बोलना है कि इसमें अनपेल्ट्रॉन का नंबर होगा टू तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में